नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार आज तीनों किसान कानून वापसी हो गए। 20 सितंबर 2020 को कानून पास किए गए थे और आज उसी संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकते हुए, पीछे हटते हुए तीनों किसान कानूनों को आज 29 नवंबर को वापसी लेना पड़ा। तकरीबन 404 दिन लगे इस सरकार को झुकने में, ये समझने में कि किसान वापसी नहीं जाने वाले, किसान अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं है, यह समझने में सरकार को 404 दिन लगे। लेकिन राहुल गांधी आज संसद से बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि जब संसद चल रहा है, क्योंकि संसद के अंदर आवाज उठाने नहीं दी गई, संसद स्थगित कर दी गई। विपक्ष लगातार चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सदन को जैसे ही कानूनों को वापसी करवाने का बिल पास हुआ और सदन को उसके बाद में स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बड़ा महत्वपूर्ण राहुल गांधी ने आज बोला है और उसको सुना जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों का अपमान किया है, हमने कहा था सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार समझती थी कि 3-4 उद्योगपति जीत जाएंगे, लेकिन आखिरकार वो 3-4 उद्योगपतियों की हार हुई और देश का किसान जीता है, ये उन्होंने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि चर्चा होनी चाहिए थी, 700 किसानों की मौत कैसे हो गई, इस पर चर्चा होनी थी। एमएसपी पर गारंटी के कानून की, एमएसपी पर गारंटी कानून देना होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। ये बातें जो है वो राहुल गांधी ने कही। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। तीन काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो तीन काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड ने ये दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यहां पर कहा है कि बिना चर्चा के कानून आए थे और बिना चर्चा के आज ये कानून वापसी चले गए। आखिरकार मोदी जी चर्चा से इतने डरते क्यों हैं? एक बात को समझ करके देखिए आप, नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या करेंगे, पत्रकारों के सवालों का सामना तो क्या करेंगे, जब वो अपने साथी सांसदों के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे। संसद के अंदर जहां पर मजबूरी होती है एक प्रधानमंत्री की कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे,
लेकिन वहां पर वो चर्चा से भाग रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भला कहां से करेंगे। अब देखिए यहां पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि लखीमपुर खीरी पर भी चर्चा होनी चाहिए, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि कैसे इनका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अभी तक अपने पद पर बना हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कैसे जो है मोदी सरकार बगैर चर्चा के कानून लेकर के आती है और बगैर चर्चा के कानूनों को वापसी कर देती है। अब उनसे सवाल पूछा गया पत्रकारों की तरफ से कि जब ये कानून वापसी ले लिए गए हैं तो क्या अब आंदोलन खत्म नहीं कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने इस पर करारा जवाब दिया है। राहुल ने कहा है कि ये कानूनों से आगे की बात है, ये किसानों पर आक्रमण कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके ऊपर जो है वो हमारी मांग है, अब एमएसपी के ऊपर सरकार को कानूनी गारंटी देनी होगी। सुनिए राहुल गांधी। ये जो तीन कानून थे ये किसानों पर आक्रमण था, मजदूरों पर आक्रमण था, मगर किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलें हैं, वो एमएसपी, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है, और वो अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनको उनका हम समर्थन है। एक तरफ नरेंद्र मोदी वो सदन छोड़ करके चले जाते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी वो पत्रकारों के सामने आते हैं, उनके जवाब देते हैं, आमने सामने खड़े होकर के जवाब देते हैं, बगैर कोई पन्ना लेकर के जवाब नहीं देते हैं ना पूछते हैं। लेकिन देखिए राहुल गांधी ने आज पन्ने लेकर के मोदी जी की उस बात को बताया कि कैसे मोदी जी ने किसानों का अपमान किया, जब कानूनों को लेकर के आए तब भी अपमान किया और जब कानूनों को वापसी किया तब भी अपमान किया। मोदी जी ने जब कानूनों को वापसी लिया, जब टीवी पर आकर के क्या कहा था, टीवी पर आकर के कहा था कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। राहुल गांधी ने इस पर हमला बोला है कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स की बात वो कह रहे हैं, इससे पहले वो देश के किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे। ये राहुल गांधी का जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर जो डायरेक्ट तीखा हमला करने की जो उनकी रणनीति है उसी के तहत जो है राहुल गांधी ने करारा हमला बोला। सुनिए, एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज लॉज, ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हिंदुस्तान के सब किसान है। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा, अब आप इनको ग्रुप ऑफ फार्मर्स कह रहे हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स नहीं है, ये हिंदुस्तान के सारे किसान हैं और ये समझते हैं कौन सी शक्तियां इन पर आक्रमण कर रही। कमाल की बात यह है कि सरकार सदन के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाती है, वहीं पर मीडिया, अब राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने जो जवाब रखे हैं, वो तकरीबन जवाब बिल्कुल वाजिब दिखाई देते हैं, लेकिन इन सवालों पर, इन जवाबों पर मीडिया कहीं पर जो है वो कोई कवरेज नहीं देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कितने चैनलों पर देखी और कितने चैनलों पर प्रमुखता से देखी, यही जो है वो देश में लोकतंत्र बाकी बचा है। वो सदन के अंदर भी बिल्कुल पूरी तरह से मुट्ठी में आ गया है, टीवी में वो भी मुट्ठी में आ गया है, कहीं पर विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। बहरहाल राहुल गांधी ने जो कहा है ऐसा लगता है कि उसको सुना जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी यहां पर एक कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक विपक्ष के नेता के तौर पर बोल रहे थे, और आज सुबह 21 पार्टियों की वहां पर मीटिंग हुई, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के समेत जो है विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई और उसी में जो है वो चर्चा की मांग की गई थी, लेकिन आखिरकार चर्चा नहीं हो पाई और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। बहरहाल जिस तरह से राहुल गांधी ने यहां पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे डरपोक कहा है कि वो डरते हैं इसीलिए चर्चा से भागते हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।